तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो गाइस, आज की एनर्जीज में आपके पर्सन की भावनाएं, आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए। सो डियर गाइस, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, ठीक है। आज की रीडिंग को मैं चेक करूंगी, आज की रीडिंग में जो टॉपिक है वो मैं पहले से बता देती हूँ, इसलिए पहले से बता दे रही हूँ मैं आज, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन भी उस टॉपिक पर हो, फोकस भी आप उस टॉपिक पर करो और उसी हिसाब से आप इस रीडिंग को लो, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, जितना मैच करता है उतना रखिएगा, जबरदस्ती से मैच करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करिएगा। मैच नहीं करती है रीडिंग तो छोड़ दीजिएगा, मैच करे तो देखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाह रही हूँ मैं कि रीडिंग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ताकि रीडिंग के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाए, ठीक है। और जब रीडिंग के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, देन रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हो और वो आपके साथ मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ को बताना होता है कि हाँ भाई मेरा तुमसे कनेक्शन है। तो इसके लिए सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, बाकी जैसा आपको सही लगे। तो आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक ये है कि जिस भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप उस रिलेशनशिप में कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे आपका पति है, पत्नी है, आपका लव है उनके साथ, रिलेशनशिप है, कोई वन साइड सिंगल मैरिड है, आज की रीडिंग में यही देखना है कि जिनके साथ आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो, मैरिज लाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो उनके साथ, कोई भी, ठीक है, डजंट मैटर कि ये रिश्ता है कि वो रिश्ता है, क्या उस पर्सन को आपकी किसी भी बात का फर्क पड़ता है? अगर मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, मैं अब थोड़ा सा बता के ही रीडिंग करूंगी ताकि आपका इंटरेस्ट भी आए और आपको समझ में भी आए, ठीक है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं और इस वक्त आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति के साथ मेरा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से हमारा रिश्ता है, सब कुछ ओके है, बट क्या आप हर्ट होते हो तो उसे फर्क पड़ता है क्या? क्या आप खुश होते हो तो उस पर फर्क पड़ता है? क्या आप उसको बोल रहे हो कि मेरे साथ बात कर लो, उससे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? देखो, अगर फर्क पड़ रहा है इट मीन्स वो पर्सन आपका आज भी है। नहीं फर्क पड़ रहा आपकी किसी बात से, इसका मतलब है कि उस पर्सन को अब आपकी कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात से। आप चाहे हंसो, चाहे आप उसको मिस करो, चाहे बोलो। तो आज की रीडिंग इस बेस पर है। अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो आप इस चीज को देखिए जनरल रीडिंग में, ठीक है। और इस टॉपिक को मैंने पहले से बता दिया, तो मैं एनर्जीज को पहले थोड़ा क्लीन करूंगी ताकि ईश्वर पॉजिटिविटी दे, यूनिवर्स पॉजिटिविटी दे, और इस वक्त जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उसी सेंडर के पास वापस चली जाए जिस सेंडर की तरफ से आई हैं। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, एकदम चली जाए यहाँ से और प्योरिटी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता वापस आ जाए यहाँ पर। हे ईश्वर, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज 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 सपोर्ट मी। हील कर रही हूँ मैं इस वक्त एनर्जीज को, प्रॉपर तरीके से एनर्जीज हील हो, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, हे यूनिवर्स, सारी एनर्जीज को मैं हील कर रही हूँ। एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जीज को मैं इस वक्त फील कर रही हूँ। ओम दोम जीम जोम, ओम दोम जीम नम, ओम दोम जीम जोम। सो चलिए देखेंगे आज की एनर्जीज में कि क्या आपके पार्टनर को कोई फर्क पड़ता है कि आप उसको मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या उन्हें फर्क पड़ता है आप उनसे कुछ भी कह रहे हो, या उन्हें आप किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी बात का। जो भी होगा देखेंगे गाइस, ठीक है। तो एनर्जीज को क्या है ले लेते हैं, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, और पर्सन की एनर्जीज को देखूंगी, देन मैं ये देखूंगी कि अब, ठीक है, उनके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं, आपके रिश्ते में कोई फ्यूचर है कि नहीं, आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, जो भी है, ठीक है, देखते हैं सारी चीज़ों को। कमेंट जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर लीजिएगा, और ये टॉपिक आपको समझ आ रहा है इस चीज़ को भी बताइएगा। 111222 ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब पर्सनल तौर पर आपको मुझसे बात करनी है तो आप बिल्कुल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल तौर पर अपने नेम प्लेस को देना होगा आपको,
तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी खुद आपकी और आपके पर्सन की। नंबर है 9540119650। केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल से कोई फ़ायदा नहीं है, कॉल आप करते रहेंगे, तो इसलिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा कि मुझे रीडिंग चाहिए। थोड़ा सा मैं कार्ड ले लेती हूँ, है ना, कार्ड ले लेती हूँ। मैं पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ और आपकी भी एनर्जीज को, दोनों की एनर्जीज को चेक कर रही हूँ। ऊपर वाली एनर्जीज तो पर्सन की है, ठीक है, और नीचे वाली एनर्जीज में आपकी है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं, कार्ड को देखकर मुझे तो यहाँ पर जो मिल रही है ना एनर्जीज, मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ इस वक्त दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। एक तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट है। मैंने बोला ना, दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, मतलब नो कॉन्टैक्ट से मतलब काफ़ी टाइम से उन्होंने ब्लॉक किया है, कोई बातचीत नहीं, कोई भी बातचीत नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं। एक तो वो बोला नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कॉन्टैक्ट में हो ना, ब्लॉक किया है ना कुछ, लेकिन आपकी उनके साथ बातचीत नहीं होती है, कभी कभार हो रही है बट इग्नोर सा कर रहे हैं आपको। मतलब आपको खुद से फील हो रहा है कि हाँ भाई, सामने वाला पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, और क्योंकि वो आपके बहुत टच वाले पर्सन है ना, उनके साथ बहुत टाइम से कनेक्शन है गाइस आपका, है ना, तो आपको समझ में आ जाता है उनका कुछ भी। मतलब आपको, आपके कार्ड को देखकर लग रहा है कि आपको ना समझ आ जाती है उनकी कोई भी एक्टिविटी, आप जैसे वो करते हैं, जैसे वो कॉन्टेक्ट में होना चाहते हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं थोड़ा सा भी, तो आपको समझ में आ जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, दो करेक्शन चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अच्छा, अभी करंट एनर्जीज को चेक कर रहे हैं। देखो, करंट एनर्जीज अगर आपके पर्सन की देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उन्हें इस वक्त स्ट्रेस है पार्टनर को। अब यहाँ पर आप देखो अपने पर्सन के कार्ड को, तो यहाँ पर एक पर्सन आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके उस पर्सन की एनर्जीज है जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। बड़ा ही परेशान इंसान दिखाई दे रहा है, बड़ी ही परेशानी में दिख रहे हैं, बड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं, ईश्वर से ये प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। और तो और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि फर्स्ट कार्ड में मुझे आपके पार्टनर जो हैं वो यहाँ पर ईश्वर से क्वेश्चन पूछते हुए दिख रहे हैं और ईश्वर से बोल रहे हैं। कोई ऐसी उलझन है, किसी बात को लेकर परेशान है, कोई फैमिली का फोर्स है, या फिर आप लोगों के बीच में अगर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट है, इतने लंबे टाइम से उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की है, तो आप ये समझ लो ये इंसान, ये पर्सन बहुत परेशान है, पूरी पूरी रात जागते हैं। यस, ये मत सोचना कि ये सो जाते हैं, नहीं, इनको नींद नहीं है। जब से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जिस दिन से उनके और आपके बीच में दूरियाँ आई हैं, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उस टाइम से लेकर अभी तक, स्टार्टिंग में चीज़ें इतनी नहीं थी जब उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, या आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए थे तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था किसी नाराज़गी में, या आपने भी हो सकता है कि किया हो, लेकिन अब जैसे जैसे आपका ब्लॉक का टाइम बढ़ता जा रहा है, नो कॉन्टैक्ट का टाइम बढ़ता जा रहा है, इनकी बेचैनियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। एक मन में फियर भी है आपका प्यार खो ना जाए इस चीज़ का, दूसरा ये अंदर से बहुत हैवी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि इनका कंट्रोल है ना, आई होप आप समझ रहे होगे, इनका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। हो सकता है कि वो इनका फैमिली मेंबर्स हो, फैमिली का मेंबर हो जो इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, कोई इनसे जुड़ी कोई थर्ड पार्टी हो, हो सकता है कोई इनका कोई ऐसा इनका पर्सन हो सकता है ना, या ये किसी और के साथ इंगेज हों, वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनको आपसे लव भी है, और किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट भी हुआ था, मैं ये भी देख रही हूँ, और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में ब्लॉक कॉन्टैक्ट भी हुआ था, झगड़े भी हुए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, और इस वजह से इन्होंने ब्लॉक भी किया है। तो यहाँ पर ये पर्सन की करंट एनर्जीज बहुत परेशानी वाली दिख रही है। मन, इनके मन को देखो तो इनके मन में आपके लिए बहुत चिंताएं दिख रही हैं, क्योंकि ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैनिफेस्ट करते रहते हैं, और हर वक्त मैनिफेस्ट करते, हर टाइम एक अशांत मन में रहते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक जरूर है, और ब्लॉक करके ये दिखा जरूर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर में हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक किया हो, लेकिन अंदर से बहुत तनाव है इनको, ठीक है,
ये ना एक चीज और बोलोगे, ये ना वो जो पहले वाला प्यार था ना आपका, वो उसको ये चाहते हैं। दूसरा, इन्हें ये भी पता है कहीं कहीं इनकी जो एनर्जीज आई ना, इसमें इनकी सोल आपकी सोल के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट है ना गाइज, तो इन्हें ये, जब आप जैसे आप सैड होते हो ना, या आप दुखी होते हो, या आप इनका नाम लेते हो, या इनके बारे में सोचते हो, इनकी फोटो वगैरह देखते होगे ना आप, तो वो चीज इनके साथ ना बाई सोल कनेक्ट हो रही है। और वो कनेक्शन आपका, वो इनके अंदर एक ना बेचैनी सी पैदा कर रहा है। और जब वो बेचैनी सी पैदा हो जाती है ना, तब ये और परेशान होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ईश्वर के सामने बैठकर आपको मांग रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये चीज दिख रही है, मतलब अगर किसी बात को लेकर अगर ये नाराज भी थे आपसे, क्योंकि यहाँ पर प्योरीफायर की भी एनर्जीज आ रही है, तो कुछ ऐसी चीज है जो गुस्से में हुई है आप लोग के बीच में, कोई आर्ग्यूमेंट्स में ब्लॉक कर दिया, फैमिली के प्रेशर में ब्लॉक कर दिया, झगड़े में ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब जो गुस्सा था या जो चीजें थी वो तो चली गई। अब रह गया आपका दोनों का प्यार। अब क्या दिख रहा है कि भाई इतना टाइम हो गया हमारे बीच में, कहीं ऐसा ही ना रह जाए। तो प्यार बहुत ज्यादा किया था इस पर्सन ने आपसे, तो आज ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, उन एनर्जीज को मैं यहाँ पर बोलूंगी कि जो सिचुएशन है आपकी, ठीक है ना, इस वक्त कुछ गलत फहमियां हैं आप लोगों के मन में, ठीक है, जिनकी वजह से आपके पर्सन, ठीक है, आपको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इस चीज को देख रही हूँ, मतलब पिछले कुछ टाइम से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप एक अजीब सी एनर्जीज में है। तो मैं यहाँ पर ना साफ तौर पर निगेटिव एनर्जीज को देख रही हूँ, जैसे पर्सन का ना मैं चेंजेस देख रही हूँ, पार्टनर में बहुत चेंजेस देख रही हूँ। मतलब ढंग से बात तो करना बहुत बहुत, मतलब आपको तो ये बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारा, मतलब आपको ये आश्वासन दिलाते हैं आपके पर्सन जब आपसे बात करते हैं कि वो आपसे आज भी प्यार करते हैं, ठीक है। वो आपको ये बोलते हैं, नहीं वो तो आपके ही, आपके अलावा किसी के हैं ही नहीं, ऐसा सब कुछ आश्वासन दिलाते हैं। जब भी आप उनसे बोलते हो कि इतने टाइम से कॉल क्यों नहीं किया, इतने टाइम से बात क्यों नहीं की, है ना, तब वो आपको यही बोलते हैं कि मैं बिजी थी या मैं बिजी था। और मतलब उनकी अपनी फीलिंग्स ही आपको जताते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर बहुत करते हैं। मतलब मैं इस कार्ड में ये देख रही हूँ कि आश्वासन तो दिला देते हैं कि हाँ मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, बट जब आप उनसे उनका बिहेवियर देखते हो तो आपको उनका बिहेवियर बहुत चेंज दिखता है। आपको लगता है कि जब प्यार तो तुम मुझसे करते हो, कहते तो तुम मुझसे हो, शादी के लिए भी तुम मुझसे कह रहे हो, सब कुछ मुझसे कर रहे हो, लेकिन फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, है ना, कांटेक्ट क्यों नहीं करते हो। तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और कह कुछ रहे हैं, मतलब सच्चाई ना बताकर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत ज्यादा इग्नोर। जब आप खुद से कॉल मैसेज करो तो थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे और आपको आश्वासन दिला देंगे कि हाँ उनके दिल में आज भी आप हो, लेकिन सच्चाई मुझे यहाँ पर दिख रही है निगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज हैं। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और भी दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर आपकी एनर्जीज को देखती हूँ, तो देखो आपकी एनर्जीज को अगर मैं देख रही हूँ तो आपको तो एंजल साइन दिखाई दे रहे हैं, बहुत एंजल साइन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको देख रही हूँ कि आप इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप में इस वक्त जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये तो वहां से मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप भी यहाँ से मैनिफेस्ट करते हो, तो कनेक्शन आपका मिलता रहता है एक दूसरे को, आप अभी भी आपकी सोल कनेक्ट है, बट यहाँ पर ये इग्नोर कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, रही बात आपकी, मैं आपको बोलूंगी कि इसमें इस वक्त कार्ड के हिसाब से कुछ हेल्थ भी आपकी डाउन दिख रही है, मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकता है कि आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको अपने हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, जैसे चक्कर आना, बहुत ज़्यादा थकान अनुभव करना, नींद नहीं आना, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपको इस वक्त हो रही होंगी क्योंकि कार्ड के हिसाब से दिख रहा है। और पिछले करीब 2 से 3 महीने से आपको ज़्यादा इन चीज़ों पर चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी, परेशान कर रही होंगी। दूसरा, मैं करियर में भी आपका देख रही हूँ, करियर में ना कुछ उतार चढ़ाव आपको मिल रहे हैं इस वक्त, है ना, करियर में कुछ उतार चढ़ाव आपको हो रहे हैं, और करियर में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको लग रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है करियर में वो पहले से बहुत अधिक रुक गई है,
आपके प्रयास भी हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपकी हो नहीं पा रही। ये चीज़ों को मैं देख रही हूँ। मेडिटेशन भी आप कहीं कहीं कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव रखने की भी आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ निगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आपका और रिश्ते पर भी फर्क डाल रही हैं और आपके करियर पर भी फर्क डाल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब रही हमारी उस बात को कि इन पर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, उस चीज़ पर भी हम आएंगे और फ्यूचर भी देखेंगे, है ना। तो करंट एनर्जीज को मैं अभी चेक कर रही थी, करंट एनर्जीज क्या है, तो मैच की है तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना। देखो आपके कार्ड के हिसाब से आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, कार्ड के हिसाब से एनर्जी जो आ रही है उसमें आपकी डेस्टिनी पार्टनर है। ये पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि डेस्टिनी पार्टनर है, इसीलिए आपको बेचैनी ज्यादा होती है जब इनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, सोचो कितने सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान के लिए आपके दिल में इतनी बेचैनी क्यों है अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है? क्योंकि ये ही तो वही इंसान है जो भगवान ने, यूनिवर्स ने आपकी किस्मत में लिखा है। आप खुद इसको अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हो कि हाँ ईश्वर जन्म जन्म तक हम साथ में रहें। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो इसीलिए आपका इस इंसान से मूव ऑन ना कर पाने का जो रीज़न है वो भी यहाँ पर यही है, लेकिन जो डिस्टर्ब एनर्जीज हो रही हैं वो निगेटिव एनर्जीज की वजह से हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहीं कहीं ये देख रही हूँ कि किसी कार्मिक की वजह से, ठीक है, किसी कार्मिक की वजह से आपके रिश्ते में आपके पर्सन को धोखा दिया है आपके पर्सन ने। कोई कार्मिक होगा आप लोगों के बीच में और कोई कार्मिक की वजह से आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट हुआ है और आपके पर्सन ने आपको चीट भी किया है, कहीं कहीं दिख रहा है। बट वो जो चीट किया है उन्होंने, वो उनका कार्मिक की वजह से, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में कार्मिक है जो कि आपके रिलेशनशिप पर निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। अब मैं कुछ राशियाँ बता देती हूँ आपको। राशियाँ हैं यहाँ पर कुंभ, कन्या, तुला, वृश्चिक, लिब्रा, सजिटेरियस, कैंसर, लियो, जेमिनी। तो ये यहाँ पर मुझे राशियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और नंबर्स मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं, और नंबर्स जो दिख रहे हैं, फाइव नंबर यहाँ पर बहुत दिख रहा है मुझे, टू नंबर दिख रहा है, वन नंबर दिख रहा है और फोर नंबर दिख रहा है। देखो साइन बहुत हैं यहाँ पर, साइन दिख रहे हैं। अगर एक चीज़ आपको हर टाइम होती है, जैसे कि 24 आवर्स अगर आपके माइंड में एक ही चीज़ इंसान चल रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी शॉकिंग ना हो कि ये पर्सन को मेरे दिमाग में क्यों चलता रहता है। देखो यहाँ पर आप पर्सन की एनर्जीज को देखो, वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप देखो इतना, जब कोई इंसान मैनिफेस्ट करेगा, ईश्वर से मांगेगा, प्रार्थनाएं करेगा, तो क्या ईश्वर आप उसका संदेश आप तक नहीं पहुँचाएंगे? पहुँचाएंगे ना। तो मैं वही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन खुद ईश्वर के सामने बैठकर उनकी तरफ से यही कार्ड आया है। तो इट मीन्स अगर ब्लॉकेजेस हैं बहुत लंबे समय से और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो चाहत तो उनकी यही है कि वो आप ही के लाइफ में आए, आप ही उनके सब कुछ रहे, आपके साथ ही उनका रिश्ता आगे बढ़े, रहे, टिके, स्टेबल हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपको अलग करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ईश्वर जो हैं वो आप लोगों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बना दिए हैं जिससे आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो पा रहे हो, बाई सोल जुड़ चुके हो। जैसे ही आपका डिवाइन टाइम आएगा, जिस दिन आपका डिवाइन टाइम आएगा, आपका पर्सन और आपका रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। तो डिवाइन टाइम आने की देरी है, डिवाइन टाइम की एनर्जी से आप अपना डिवाइन टाइम अगर चेक करवाना चाहते हैं कि आपका डिवाइन टाइम कब तक आएगा, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा 9540111950 पर, मैं आपको आंसर दूंगी कब आएगा आपका डिवाइन टाइम। सो फाइव ऑफ वैंड्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आपको पाने के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं
जो इन्हें तब नहीं समझ में आ रही थी, आज इन्हें समझ में आ चुकी हैं, जब आपसे बिल्कुल रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, या कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ चुकी हैं। आज कुछ इन्हें लग रहा है, समझ आ रहा है कि हाँ, इनके और आपके बीच में बहुत प्यार है। कहते हैं ना कि दूर जाने के बाद ही तो समझ में आता है कि फीलिंग्स हैं कि नहीं है। आज आपके बीच की दूरियां इन्हें तोड़ रही हैं। दूसरा, जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें आपकी हर बात पर परवाह है। आपके पर्सन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करती है कि आप जब उनको कॉल करते हो वो कॉल पिक नहीं करते हैं, आप उनको मैसेज करते हो वो मैसेज नहीं सीन करते। इट मींस ऐसा नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है, वो अब आपके मैसेज या आपके सैडनेस को नहीं जानते, वो जानते हैं आपकी हर चीज़ को। मैं देख रही हूँ वो मेहनत भी कर रहे हैं कि हाँ, उनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, वो जानते हैं, उन्हें फ़र्क पड़ता है। ये पर्सन अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आप देखो, ये पर्सन इस तरीके से ईश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करता। इसको फर्क पड़ता है इस पर्सन को। ये आप इनको कोई भी कॉल मैसेज मत करो, कुछ भी मत करो, तो भी इनकी और आपकी जो सोल है ना, वो इतनी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है कि अगर ये आपको आधी रात में भी याद करेंगे, मैं बता रही हूँ ना गाइस, कार्ड को देखकर आपकी आँख खुल जाएगी। यस, आप देख लेना, आप कितने भी बिजी हो गए, आपका ऑफिस है, आप काम कर रहे हो, है ना। कई मेरे पास पर्सनल रीडिंग में जब लोग आते हैं ना, तो मैं उनसे ये चीज़ पूछती हूँ मैं उनसे, वो मुझे खुद बताते हैं, यस मैम ऐसी सिचुएशन है, मतलब आप काम कर रहे होगे ऑफिस में। ठीक है, चलो भाई, आपने थोड़ी देर के लिए इनको बुला दिया, आपने काम कर रहे हो, भाई आपका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप काम करो। सडन आपका दिमाग में लगेगा कि मुझे उन्होंने मैसेज किया है, या मुझे एकदम से याद आने लगेगी, एकदम सडन याद आएगी, या सडन एकदम आपको फील होने लगेगा जैसे आपका पर्सन आपको बुला रहा है, या फिर आपके साथ वो कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो इसे कहते हैं एंजल साइन, इसे कहते हैं सोल कनेक्शन, है ना। मैं बोल रही हूँ ना कि आप वो आप सो भी रहे होगे ना रात में, और अगर आपका पर्सन आपके लिए आपको मिस कर रहा होगा, वो आपका नाम ले रहा होगा, तो आपकी आँख खुल जाएगी, आपको बेचैनी से फील होने लगेगी, आप अचानक से बैठे बैठे आपकी आँखों में आंसू आ जाएंगे, कुछ और सोच रहे होंगे, याद वो आने लगेंगे आपको। अगर आप कुछ और कर रहे होगे, आपको आपके पर्सन का फेस दिखाई देने लगेगा, आपको आप कुछ और सर्च कर रहे होगे, अचानक से उनका नाम सामने आ जाएगा। यही तो एंजल साइन है, ये छोटे छोटे एंजल साइन, इनको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, यही नहीं, यही तो आपको बताते चलते हैं साइन गाइस कि तुम्हारा कनेक्शन है, वो तुम्हें मिस करते हैं, वो तुम्हें याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंजल साइन। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें सब पता है कि आप उन्हें मिस कर रहे हो, उन्हें सब पता है कि आपका कनेक्शन उनके साथ है, वो खुद इस आपके साथ कनेक्टिविटी में जुड़ना चाहते हैं, वो खुद उन्हें पता है, कहीं ना कहीं उन्हें फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि आप आज भी उनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिनकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी नहीं जुड़ पा रही है। ठीक है, सो डिवाइन टाइम मैंने बोला है, आपका डिवाइन टाइम जिस दिन आएगा उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और वो चीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रही है गाइस। ठीक है, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड एनर्जीज, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, थ्री ऑफ सोर्ड्स में है, एंड लास्ट कार्ड इज डेविल, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड नाइट ऑफ कप्स। देखिए, जीत सच्चे प्यार की होती है ना, देखिए कहते हैं ना कि नाइट ऑफ कप्स मतलब एक डेविल के होने के बाद भी नाइट ऑफ कप्स में एनर्जीज आ रही है। इट मीन्स कितना भी कोई उनको दूर करना चाहेगा, लेकिन उनके दिल में तो आप बसे हो ना, उनकी फीलिंग्स में आप हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा। 400 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है, कैंडल बैक्स रीडिंग 300 रुपीज़ से स्टार्ट है, आप ले सकते हैं रीडिंग, बुक कर सकते हैं कॉल की, कैंडल की, कोई भी रीडिंग। कॉन्टैक्ट नंबर बता ही दिया आपको। टेक केयर, बाय बाय।